Hello, Wikipedia users. Today we have with us Aditya Ranga. Aditya Ranga has been selected as Tehsildar in HCS exam. So we'll be sharing what his journey has been. Congratulations, Aditya, for making it to Tehsildar. It was a pleasure having you here. So how has been your journey? आप कैसी रही है journey HCS exam की? थोड़ा short में आप हमें बताएंगे. Prepare तो मैं काफी time से कर रहा था. 2017 से मैं prepare कर रहा था civil services के लिए. तो मैंने जब हरियाणा का एग्जाम निकला फिर मैंने पर्टिकुलरली हरियाणा के लिए पढ़ना शुरू किया. बट बहुत सारा सिलेबस मुझे कोइंसाइड करता है, चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो चाहे एचपीएससी का सिलेबस हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस, ऑल डेट डिफरेंट नहीं है, थोड़ा पैटर्न में डिफरेंस है, दैट्स इट. ठीक है, तो एचसीएस और आपने जब इसको पीयर हुए एग्जाम में, तो कितना डिफरेंस आपको लगा एचसीएस और आपके आईएएस एग्जाम से, क्योंकि आप दोनों में पीयर आपने हुए हैं, तो इस एग्जाम में आपको क्या स्पेसिफिकली डिफरेंट लगा पैटर्न के अलावा? तो सबसे बड़ा जो प्रीलिम्स में हरियाणा का काफी पूछा गया था और सीसेट जो था वो क्वालिफाइंग नहीं था, मेरिट बेस्ड, तो एक तो वो डिफरेंस है. मेंस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, मुझे नहीं लगा कि कोई स्पेसिफिकली हरियाणा क्वेश्चन आया है. थोड़ा सा इंटरव्यू में भी जाते हैं वो हरियाणा की तरफ, ऑब्वियसली बात है कि अगर आप हरियाणा सिविल सर्विस के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो आई थिंक ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी यहाँ पैटर्न डिफरेंट है, वहाँ चार पेपर होते हैं या एक पेपर होता है और दो ऑप्शन होते हैं. आपके कौन से थे दो ऑप्शंस? मैंने पहला था मेरा सोशियोलॉजी, दूसरा था जॉनर. सोशियो को आपने कैसे प्रिपेयर किया? सोशो तो मैं थैंक यू मैं प्रवीण सर करना चाहूंगा. एक्चुअली मैं तो पढ़ रहा था सोशो पर वैसे डेप्थ में नहीं गया था अभी तक, वो जस्ट एक रीडिंग हुई थी. तो जिस दिन ये नोटिफाई हुआ था कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त में पेपर होगा, उसी दिन मैंने सर के वीडियोस लिए थे और हार्डली 15 दिन पहले की बात थी. तो मैंने कैसे मैनेज करके 7 से 8 दिनों में वो सारे वीडियोस थे, आई गेस 35 प्लस वीडियोस थे, तो मैंने सारे 4 से 5 डेली के वीडियोस देखे और के नोट्स बनाए फटाफट और फटाफट रिवाइज करता चला गया. और सर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी एग्जाम की, खासकर यूपीएससी की, दैट इज आपकी स्ट्रेटेजी. आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. सर नॉलेज तो बहुत अवेलेबल है, आप जितने मर्जी बुक्स पढ़ लो, बट स्ट्रेटेजी जब तक नहीं पता है कि कैसे क्लियर करना है. अब मैं अपना बता दूं, 15 दिन के अंदर दो ऑप्शन तैयार करने, हिंदी इंग्लिश और जीएस तैयार करना, वो बहुत मुश्किल था. तो पर सर की वीडियो से मुझे काफी बहुत हेल्प किया, तो उन्होंने सीधा आंसर भी लिखवाए हैं, कुछ उन्होंने टॉपिक्स बताए कि इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली बिल्कुल जैसे टाइम सेव हो गया आपको ऑर्गेनाइज करने में ज्यादा. हाँ हाँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर, तो वो सर ने एज लिखवाया हुआ था, तो वो कुछ मतलब ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी और साथ ही में लिख दिया, टाइम बच गया, बहुत टाइम बच गया. और आपने आईएएस मॉक इंटरव्यू में भी थे, हमने काफी रेगुलर मॉक्स आपके ऑर्गेनाइज किए अभिमन्यु न्यूज़ में, तो आपका वहां पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना हेल्पफुल था, कोई आपको वीकनेस ओवरकम करने में? जी देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चा मेंस देके आया नॉलेज होगा, बट थोड़ा बिहेव कैसे करना है एक इंटरव्यू की सबसे इम्पोर्टेंट है. चाहे वहां पे आपको कुछ भी ना आता हो, बट अगर आप टेम्परामेंट शो कर गए, कामनेस और कंपोजनेस भी शो कर गए, तो आप हो जाएंगे, जो मेरे साथ भी हुआ है. तो मैं इसके लिए अभिमन्यु मॉक इंटरव्यू से काफी ज्यादा मैं उसको थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने फीडबैक मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिया और मैंने फॉलोअप किया उसको. आपका कौन सा बोर्ड था यहाँ पे आपने? मेरा था सर डॉक्टर मिसेस वंदना शर्मा. वंदना शर्मा जिसका, ठीक है. तो कौन से टॉपिक पे उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पुट किए? सर ऐसे उसके टॉपिक नहीं, मेरे तो सर ऐसा हुआ था कि मेरे को तो ज्यादा बॉलीवुड के ऊपर ले गए थे. बॉलीवुड आपकी हॉबीज? नहीं सर, हॉबीज नहीं थी, मैंने तो अपना ये एक्चुअली यहाँ से बात आई थी, उन्होंने गवर्नर्स पूछे सारे हरियाणा के, तो मैंने थोड़ी बता पाया. तो वो मैम बोले कि आप न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं, तो मैंने बोला नहीं मैम, मैंने जैसे तैयारी शुरू की तब से न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूँ मैं, तो बट मैं जो पढ़ रहा हूँ वो यही मेरे सामने आए हैं. तो फिर पूछते कि 2017 से पहले क्या पढ़ते थे अखबार में, तो मैंने बताया कि मैम जो पढ़ता टीनेजर स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, तो एंटरटेनमेंट से एंटरटेनमेंट से बॉलीवुड मेरा, मैं बोलता हूँ 50% बॉलीवुड स्टार्स थे, कंफर्ट लेवल. हाँ मतलब उन्होंने, मैं बोलूंगा वंदना शर्मा मैम ने बहुत ज्यादा कोशिश की ग्रिलिंग करने की, मतलब इवन बहुत बार टोका उन्होंने, तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम झूठ, आपने मैनेज कर लिया, वही मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन हेल्पफुल रही. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो था. ठीक है, और फाइनली आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कोई स्पेसिफिक टिप्स कि वो एचसीएस को जो एम कर रहे हैं कुछ आप देना चाहें? हाँ डेफिनेटली, मैं बस ये बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज है आपका टेम्परामेंट, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्ट्रेटेजी. अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो कोई, मैं खुद बता रहा हूँ 15 दिन में मेंस की तैयारी करना इज हार्डली तो बहुत मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता. और मैं अब यहाँ बैठा हूँ, वो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है कि आपने किस स्ट्रेटेजी से और टेम्परामेंट. और दूसरी बात आती है, हम सबको पता है कि जो मेंस के पेपर होते हैं वो डेली होते हैं, दो दो होते हैं, तो उस टाइम पे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बहुत हाई लेवल पे होता है,
तो उस टाइम पे स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना सबसे बड़ा की पॉइंट है। अब वो अगर कर जाएंगे तो डिफरेंट मतलब मैं श्योर हूं कि कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर प्लेयर हैविंग, आई विश यू एम यू आर आल्सो इन फॉर आईएएस, यू क्रैक नेक्स्ट ईयर एंड वी विल लाइक टू हैव यू अगेन वंस अगेन। थैंक यू।